अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बकार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीसीटीवी सेंटर। सो दोस्तों, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में दावा के डीवीआर को अपने मोबाइल पे जो है वो ऑनलाइन करना सीखा था कि कैसे हम अपने कैमरास को अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मोबाइल पे तो कर लिए हैं ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी पे जो है वो अपने कैमरास ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं। तो जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए वाले आने वाले दोस्त हैं, और बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम पे मिल सकें। इसके अलावा ये हमारी जो वीडियो है ये आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैमरास को अपने लैपटॉप या पीसी पे ऑनलाइन देखने के लिए सबसे पहले तो उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अपने पीसी या लैपटॉप में जाकर गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र ओपन करें, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा स्मार्ट PSS, ठीक है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, स्मार्ट PSS सर्च किया और यहाँ पर इसके लिंक आ गए हैं। नीचे जो है एक लिंक है यहाँ पर स्मार्ट PSS का, इस लिंक पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है एप्लीकेशन, तो मैं वहाँ से आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोडेड पड़ी है, इसे मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करूँगा फाइल को और जो इसकी रनेबल फाइल है उसे मैं ऑन कर लूँगा इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन करने के लिए जो विंडो ये है सामने आएगी, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर टिक कर लेना है एग्रीमेंट पर और इस पर कर देना है आपने नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जो है ये विंडो आएगी, देन अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी आपने पाथ देना हो वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। ये मेरी अब इंस्टॉल हो चुकी है एप्लीकेशन, ठीक है। मैं इसे फिनिश करके एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ। एप्लीकेशन जब मैं रन करूँगा तो उसके बाद जो मेरे पास सामने सबसे पहला जो स्टेप यही होगा कि मैंने अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और उसके लिए मैं पहले पासवर्ड सेट करूँगा। आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी आपने एप्लीकेशन का पासवर्ड रखना हो वो इस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना वो पासवर्ड टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 5 ABC, ठीक है। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, मैं करता हूँ ओके। और यहाँ पे आ गए सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस को भी सेट कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी आप अपनी मर्जी सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख सकते हैं, जैसे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे विक्की और बोस नदीम, और इसके बाद है जी फ्रूट मैंगो। जी मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस रख दिए हैं, मैं इसे ओके कर देता हूँ। एप्लीकेशन में मैंने जो रजिस्टर कर लिया हुआ है अपना पासवर्ड भी सेट कर लिया, तो यहाँ पर मैं इसे पासवर्ड लगा के ओके कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे पास जो है ये विंडो सामने आ जाएगी एप्लीकेशन की। यहाँ पे मैंने अपने DVR को ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करने के लिए जो है वो यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। होम मतलब कोई भी आप दे सकते हैं नाम अपने इसके डिवाइस का, और यहाँ से आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे कि आपने किसके थ्रू करना है। टाइप सेलेक्ट करेंगे, मैं इसका सीरियल नंबर टाइप सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपने DVR का मैंने सीरियल नंबर मेंशन कर दिया है। आप भी अपने DVR का जो भी सीरियल नंबर होगा वह यहाँ पे आप उसे मेंशन कर देंगे सीरियल नंबर को DVR के। उसके बाद आप यहाँ पे इसका देंगे यूज़र नेम DVR का और DVR का पासवर्ड, वो भी आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर पासवर्ड देने के बाद आप इसे कर देंगे ऐड। जब डिवाइस को हम करेंगे ऐड तो हमारे पास यहाँ पर डिवाइस की पूरी डिटेल शो हो जाएगी हमारे DVR की, तो DVR का सीरियल नंबर और उसका स्टेटस। स्टेटस इस वक्त ऑन ऑफलाइन है, जो थोड़ा सेकंड्स लेता है ऑनलाइन होने में। और देखें अब ये ऑनलाइन हो चुका है, इसका मतलब है कि हमारे कैमरा हम अपने लैपटॉप या पीसी पे ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लाइव व्यू पर क्लिक कर देंगे। लाइव व्यू पे आके लेफ्ट साइड पे मुझे यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे शो हो रही है, मतलब DVR को, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा इसे, और यहाँ पे मेरे कैमरास जो ऑनलाइन चल रहे हैं जो मेरे डिवाइस पे वो मेरे शो हो जाएंगे लैपटॉप या पीसी पे।
अब ये विंडो क्योंकि छोटी है तो मैं इसे बड़ी विंडो करने के लिए राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसका जो है वो रेशियो मैं 16:9 सेलेक्ट कर दूंगा और इसी तरह दूसरे कैमरे का भी 16:9 करके इसे फुल विंडो में कर लूँगा। तो गैज़ अभी जो है वो कैमराज हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हमने अपनी यहाँ पे प्लेबैक कैसे देखना है। तो प्लेबैक देखने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ तो राइट क्लिक करके प्लेबैक पे क्लिक करें या ऊपर प्लस के साइन पे क्लिक करें और ये प्लेबैक का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे डिवाइस पे डबल क्लिक करें, ठीक है, और नीचे जो है वो सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे उसका जो है वो बैकअप शो हो जाएगा कैमरों का इस तरह। अभी नीचे मुझे ग्रीन जो है वो शो कर रहा है जहाँ से मैं इसका बैकअप जो है वो देख सकता हूँ, ठीक है। और विंडो को ये भी, आपको विंडो को जो बड़ी करना हो तो राइट क्लिक करके 16:9 पे सेलेक्ट करें और ये विंडो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह आप जो है वो अपने कैमरों का बैकअप भी देख सकते हैं यहाँ से, इस एप्लीकेशन पे, अपने लैपटॉप पे या पीसी पे, और ऑनलाइन भी इस पे देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आप जो है वो अपने लैपटॉप और पीसी पे खुद से कैमरास को ऑनलाइन कर सकेंगे, देख सकेंगे। और अगर अभी भी आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी किस्म के सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या हमारी पिछली वीडियो से रिलेटेड कोई बात आपने पूछनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, फेसबुक का लिंक मौजूद है पेज का, और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।